टाइम मेरा 4:36। सुबह के 4:46 को हम लोग मुंबई से निकले थे एक्चुअली गोरेगांव से, और अभी हम लोग ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं वसई विरार वाला जो टोल होता है, एकदम अच्छा स्पीड पकड़ के हम लोग चले थे। ज़्यादा ट्रक ट्रैफिक ज़्यादा थी पर ठीक है, उतना मैनेजेबल था। बाकी तो आप देखते रहे। और जब हम लोग रोड ट्रिप पे होते हैं, रोड ट्रिप पे मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि वन ऑफ द बेस्ट सनराइज एंड सनसेट देखने मिलता है। इतना क्लियर मिलता है कि आपके सामने ही सब कुछ होता है, एक सीधा रास्ता होता है, दोनों तरफ पहाड़ हैं, जनरली ऐसा होता है, और एकदम बेस्ट सनराइज एंड सनसेट देखना मिलता है। बहुत ही अच्छा लगता है वो देख के, ऐसा होता है कि और अच्छे से जल्दी पहुँचे, जल्दी हम लोग और एक्सप्लोर करें। Took you out and showed you the city. How'd you let somebody so pretty? It's what they said to me. Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Face value had you at a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah. Well, the only one who did that was somebody like me. When you asked my name. ये हम लोग पहली जगह रुके जलाराम काठियावाड़ी पर, हम लोग बहुत जल्दी पहुंचे थे वहाँ पे, तो बेसिकली कुछ चालू ही नहीं था वहाँ पे खाने के लिए, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें थी और हमें इतनी भूख भी नहीं लगी थी, घर से खाते नहीं थे, तो हमने वहाँ पे से रुका, वीडियो लिया और फिर हम लोग आगे बढ़ गए। यहाँ हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके, अच्छा रेस्टोरेंट दिख रहा था होटल कृष्णा नवसारी में, जगह भी अच्छी थी, पब्लिक भी अच्छे लग रहे थे, वॉशरूम भी अच्छा था, तो हमने रुक गए यहाँ पे, हमने चाय पिया और फिर हम घर से भी थोड़े टिफिन लेके आए थे। यहाँ पे हमने सिर्फ चाय पिया और शायद पापड़ जलेबी भी खाया, उसका हम लोग वीडियो लेना भूल गए, और फिर हमने हमारा टिफिन खोल दिया जो हम घर से लेके आए थे। घर का खाना तो हमेशा अच्छा होता है। बारिश बहुत अच्छी है, मौसम बहुत सुहाना हुआ है। अभी भरूच का बहुत फेमस ब्रिज आने वाला है, ऐसे बोलते हैं कि ये जब बहुत विंडी होता है तो ऐसे थोड़ा ऊपर नीचे ऊपर नीचे हिलता है, पर वो रिस्की नहीं है, अभी आप खुद ही देख लो। ऐसे तो हमें कुछ फील तो हुआ नहीं, बस सुनी सुनाई बातें हैं, क्या पता। About you, a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. So pretty is what they said to me. Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Things value had you at a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah. Well, the only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked. So out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody, somebody like me. यहाँ हम लोग रुके थे खाली सिर्फ देखने के लिए, बहुत बड़ा फूड कोर्ट देखा था हमें यहाँ पे, सी सी डी, सबवे, मैकडॉनल्ड्स और काफ़ी सारे वहाँ के लोकल जो दुकानें होती हैं वो सब थे वहाँ पे, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर फूड था ये।
गुजरात की बेस्ट बात तो ये थी कि एक भी टोल पे हमें कार्स को जो लाइट मोटर व्हीकल्स होते हैं वहाँ पे टोल हमें नहीं लग रहे थे। बहुत कम जगह पे हमें शायद एक दो जगह पे टोल लगा। अब हम उदयपुर से कुछ 129 किलोमीटर्स दूर हैं। आज का हमारा पहला स्टॉप वहीं पे, मतलब स्टे वहीं पे है, फिर हम आगे बढ़ेंगे लद्दाख की तरफ। ये उदयपुर के अरावली रेंजेस के बीच में से पहाड़ काट काट के रास्ता बनाया गया है। बहुत बड़ा 6 लेन का एकदम स्मूथ रास्ता था। बहुत मज़ा आता है यहाँ पे चलाने के लिए। जितना अपहिल उतना डाउन हिल सब था, ऐसे कर्व्स थे, ट्विस्टीज एंड टर्न्स थे, मज़ा आ रहा था। When you asked my name, I panicked. So out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. अब हम ऑलमोस्ट उदयपुर पहुंच रहे हैं, आप ये एंजॉय करिए। गो। Took you out and showed you the city. How'd you let somebody so pretty? Is what they said to me. Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance. Yeah, things value had you at a glance. Yeah, but nobody ever asked if you could dance. Yeah, well, only one who did that was somebody like me. Asked my name, I panicked. So out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked. And I think about you a cocktail. You told me that you'd been waiting for somebody, somebody like me. ये छोटा सा रूम टूर है आपके लिए। ये हमारा एकदम छोटा सा हॉल था, हमने ज़्यादा कुछ खर्चा किया नहीं था रूम में के लिए। उदयपुर में जाके सिर्फ हमें रुकना ही था, सुबह वापस निकलना था। एकदम छोटा सा वार्डरोब है, एक ड्रेसिंग के लिए मिरर है और एक प्रॉपर सा क्लीन वॉशरूम है। नथिंग एज सच।